पर पुलिस वाले ने रुका दिया है। देख सकते हो पुलिस की कार खड़ी, आप देखो कैसी हालत हो गई पिकअप की। देखो यहाँ पर ये पूरा सीमेंट का ट्रक पलटी मार गया है। तो अभी देखो इस भाई ने यहाँ पर गलती कर दी बहुत बड़ी। तो बारिश के मौसम में ऐसे ख्याल रखना पड़ता है ऐसे। देखो तो अभी ये भाई केले लोड कर रहे हैं, आप देख सकते हो तो केले लोडिंग हो रही है। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार से गुड मॉर्निंग। तो अभी बज गए सुबह के 6:30। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही हो गए, मैं भी बढ़िया ही हूँ। तो हमारा पूरी रात सफ़र कंटिन्यू रहा। तो अभी ये टोल नाका है ना निर्मल से पहले, तो वहाँ पर रुके ये हमारी गाड़ी खड़ी। तो पूरी रात सफ़र हमारा कंटिन्यू ही था, फिलहाल इधर पहुँच गए। तो कल का वीडियो जिसने नहीं देखा वो जाके देख लो, वो भी है लोडिंग कहाँ से किया क्या है वो सब वीडियो में है। तो अभी तो जा रहे हैं फिलहाल चाय पानी पीने के लिए, चाय और बिस्कुट खा के तो आ गए गाड़ी पे अभी। तो अभी हमारा सफ़र कंटिन्यू रहेगा। तो चैनल पर जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो कैसा लग रहा वो भी कमेंट में बता देना। तो अभी तो आ गया हूँ गाड़ी पे। तो कान भाई अभी भी वहाँ पर ही है क्योंकि वो देर से आया था, अभी सोया था तो अभी उठा है। तो अभी जाएंगे वो, तो अभी मैं सो जाऊंगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैंने करीब 1 बजे से चलाना चालू किया था, अभी अभी तक चलाया तो अभी नींद आ रही थी तो मैंने कानों का जगाया। तो अभी चलते आगे, वहाँ से तो निकल गए थे फिलहाल बच गए दिन का 10। तो सो गया था 10 उठाए। सामने का नज़ारा चेक करो आप, पहाड़ पेड़। रास्ते में व्लॉग पूरा बनाया था मैंने, जिसने नहीं देखा वो जाके देख लेना। तो मैं ऊपर आए बटन में उस पीछे में भी डालूंगा। तो अभी बच गया दिन का 10, पूरा हमारा सफर कंटिन्यू चालू हुई है। यहाँ से नांदेड़ 45 किलोमीटर है, देख सकते हैं। तो अभी 10 उठाई हूँ और सामने का नज़ारा देखो। यहाँ पर पुलिस वाले ने रुका दिया है, देख सकते हो पुलिस की कार खड़ी सामने, बंदा बैठा हो सामने साहब एक खड़े। तो यहीं पर रुका दिया है, क्या दिक्कत है कुछ मालूम नहीं है। तो मिलते आपको यहाँ से जाके क्या होता है वो सब आपको बताता हूँ। तो मिलते आपको आगे। वहाँ पर कुछ पुलिस वाले ने रोक लिया था, तो वहाँ पर 300 रुपया ले गए और एक पावती दे दिया। तो अभी फिलहाल तो आगे चल रहे हैं कान भाई। तो वहाँ पर तो 300 रुपया ले गए, तो निकल गए थे। तो इधर राजस्थानी ढाबा है, तो उधर रुके चाय पानी पीने के लिए। तो जाते हैं अभी चाय पानी पीने के लिए। तो ये वाली होटल थी, यहाँ पे चाय पीने पी के तो आ गए। तो फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं, देख सकते हो आप। यहाँ बारिश की वजह से पूरा ग्राउंड कीचड़ कीचड़ हो गया, इसलिए ग्राउंड में गाड़ी नहीं जाती है। जाती तो है मगर हम नहीं ले जाते क्योंकि गाड़ी भी गंदी होती है और कहीं फंस जाने का भी डर रहता है। और ये देखो केले की खेती है, केला है ये भी उग रहा है, अभी वो बड़ा हो गया और ये उग रहा है। तो यहाँ पर केले की खेती ज़्यादा होती है, कच्चे केले ले जाते हैं। तो अभी पहुंच गए हैं बाईपास पे, बाईपास तो नहीं हाईवे पर। तो इधर जाता है नांदेड़,
और इधर जाता है अर्धापुर, नांदेड़ इधर जाता है महाराज, इधर अर्धापुर जाता है, इधर नांदेड़ जाता है और इधर अर्धापुर। तो हमें अर्धापुर वाले जाने का, यहाँ से जाने का राइट। तो देख सकते हो आप अभी महाराष्ट्र में है, सवेरे वेले महाराज ने पार कर लिया था तेलंगाना, तो उधर तो मैं सोया था। तो अभी ये महाराष्ट्र है, आप महाराष्ट्र के नज़ारे भी दिखाता हूँ आपको आगे। अभी आगे हाईवे, तो अभी फिलहाल बाईपास में है, तो इधर से डीजल भरवा लेंगे। तो यहाँ से डीजल 10,000 रुपया डलवा देंगे, फिर खामगांव जाके फिर वापस फुल करा लेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पर रुके डीजल भरवाने के लिए, तो मिलते हैं आपको आगे डीजल भरवाने के टाइम। तो इधर 94 रेट है, तो 10,000 रुपया डलवा देंगे, 105 लीटर आएगा, पहले से किसी ने डलवा रखा है। तो इधर अपना टंकी हो चुका है खाली, तो यहाँ पर भर रहे हैं वापस। तो बहुत खा रहे हैं डीजल, तो जिसके इसका बाप का तेल का कुआ हो इतना खा जाती है। देखो कि तो चालू है, 10,000 का ही डलवाने का है। तो यहाँ से खामगांव पहुँच जाएंगे, तो खामगांव जाके फिर वापस से फुल करवा लेंगे। यहाँ से 10,120 का डलवा दिया, तो अभी तो डीजल तो डलवा लिया, तो अभी जा रहे आगे, तो मिलते हैं अभी आगे। तो दोस्तों वहाँ से तो डीजल भरवा के आगे निकल चुके थे, तो यहाँ पर आप एक पिकअप का एक्सीडेंट देखो कैसे एक्सीडेंट हुआ है। तो रास्ते में चलना बहुत ख्याल रख के चलना पड़ता है, तो आप भी ख्याल रख के चलें। आप देखो कैसी हालत हो गई पिकअप की। तो यहाँ पर ये देखो ये बाइक केले लोड कर रहे हैं, तो देख सकते हो कैसे केले लोड होते हैं। तो अभी ये बाईपास देखो आपकी, तो देखो यहाँ पर ये पूरा सीमेंट का ट्रक पलटी मार गया है। देखा आपने ऐसे बहुत सारे रोड पे एक्सीडेंट मिलते हैं पूरे दिन में, तो कहीं कहीं लोग डेथ भी हो जाते हैं और कहीं को बहुत ज़्यादा इजा हो जाती है। तो आप भी रोड पे चलो तो ध्यान रख के चलना अपना और सामने वाला का, क्योंकि आपकी कभी आपकी भी गलती होती है और कभी सामने वाले की भी गलती होती है, तो दोनों ध्यान से चलना। तो अभी फिलहाल तो हमारा सफर कंटिन्यू हुई है, वहाँ से तो आगे चल रहे थे, यहाँ पर आ गई हल्की सी बारिश, देख सकते सामने का नज़ारा भी बारिश की वजह से कोहरा ही दिख रहा है। आती है आगे तो दिख रही है ज्यादा है, तो बारिश का नजारा भी बहुत ज्यादा सुंदर आता है। आप देखो बज गए 2 मिनट के, तो अभी हमारा सफर कंटिन्यू है आगे इंगोली है। तो वहाँ पर राजस्थानी मारवाड़ी ढाबा होगा, वहाँ पर खाना खा लेंगे। तो आप यहाँ का एक बार नज़ारा देख लो, बारिश तो अभी रुक गई, हल्की हल्की सी आ रही है। तो वहाँ पर भी ये थोड़ा सा चढ़ाई वाला है, तो नज़ारा सामने का देख लो, बारिश की वजह से सभी नज़ारा सुंदर हरा भरा हो गया है। तो चलो अभी आपको मिलते हैं आगे होटल पे ही। अभी बच गए 2 मिनट के थे और हम आ गए राजस्थानी होटल पे। तो इधर से आए थे पर बाहर रोड पर खड़ी करी थी, इसलिए वापस ग्राउंड में ले लिए। तो अभी यहाँ पर खाना वाना खाएंगे, देख सकते हो यहाँ पर है। तो अभी भी बारिश तो चालू ही है, बारिश पूरा बंद ही नहीं हुआ है, बारिश भी चालू हुई है देख सकते हो। ये वाला राजस्थानी ढाबा, तो मिलते हैं आपको खाने के टाइम। तो अभी हमारा खाना आ गया, पापड़ प्याज छस
गेहूँ की रोटी, प्याज, तो अभी देख लो खा रहे हैं, तो मिलते हैं खाना ख़त्म करने के बाद। कल से खाना खा के तो आ गए और अभी भी हल्की बारिश चालू हुई है, तो अभी डाल रहे हैं एड ब्लू की डोल। तो ये एड ब्लू की डोल 3 डालनी पड़ती है पूरी डिप में, तो वहाँ से तो टंकी फुल करके आए थे एड ब्लू की, तो अभी एक डोल डाल रहे हैं, तो मिलते हैं आपको डालने के टाइम। तो अभी एड ब्लू डालना चालू कर दिया है, देख सकते हो ऐसा आता है वाइट वाइट, ये है साइलेशन का, धुआं नहीं निकालता इससे। तो अभी तो डाल रहे हैं, 1500 से ऊपर की एक बाल्टी आती है कंपनी से लेने जाओ तो। तो चलो मिलते हैं एड ब्लू डालने के बाद। हमने एड ब्लू भी डाल दिया था और वहाँ से निकल भी गए, तो अभी हाईवे पे चढ़ गए। अभी भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, आज तो पूरा दिन बारिश आई है, देख सकते हो। ठंड की वजह से हमने पूरी गाड़ी पैक कर दी है दोनों तरफ से, क्योंकि यहाँ पर ठंड ही इतनी है। तो अभी मिलते हैं आपको आगे, हमने वासिम भी पार कर लिया है, वासिम सिटी पीछे गया, तो अभी मिलते हैं आपको आगे। तो हेलो दोस्तों, अभी बज गए शाम के 5 और हम पहुंच गए बालापुर से आगे, बालापुरी सीधा, तो ये नागपुर वाला हाईवे तुलिया नागपुर। तो अभी कान भाई में मैप चालू है, इसलिए वो मैप बोलती है डाबे वरुण जमने वरुण, हमारी गुजराती भाषा है डाबे वालों। तो फिलहाल तो यहाँ पर पहुंच गए, तो अभी चढ़ेंगे हाईवे, तो मिलते हैं आपको हाईवे पे जाने के बाद। तो फाइनली हम चढ़ गए हाईवे पर, ये है नागपुर और इधर जाता है दुलिया, नागपुर दुलिया हाईवे, तो ऐसा हाईवे है। तो आगे हमें खामगांव से डीजल टंकी फुल करवानी है, तो यहाँ से 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर है अभी, तो यहाँ का नज़ारा चेक करो एक बार। तो चलो अभी मिलते हैं आपको आगे, खामगांव अभी पानी का जग भी लेना है, तो हमारा पानी भी पूरा हो चुका है, पानी की बोतल से अभी चलता है, देखो इतनी बोतल से। तो आगे से वाला जग भी भर लेने का है, तो मिलते हैं आपको आगे। तो अभी आ गया बालापुर वाला टोल प्लाजा, सामने चेक करो, ये बालापुर वाला टोल प्लाजा है। अभी हाईवे भी नया बना और टोल प्लाजा भी नया ही बना है, इसलिए से भी लाइन चालू नहीं है, चेक करो आप, दो ही लाइन सिर्फ चालू है। तो अभी रोड हाईवे भी नया ही है और टोल प्लाजा भी नया ही होगा, हाईवे नया है तो देख सकते हो। ओ, शाम का नज़ारा भी चेक करो आप, ऐसा है कुछ ऑफिस के भी नहीं। चल जा भाई, खुल जा सिम सिम, नहीं खुलता सिम सिम, तो खुल गया सिम सिम। तो अभी चलते हैं आगे, वो सामने दिख रहा वो जूना रास्ता है, यानी कि ओल्ड रास्ता, वो पहले वहाँ से चलते थे, तो फिलहाल तो बाईपास बन चुका है, तो मैं पहली बार आया हूँ बाईपास बना फिर। तो अभी पहुँच गए खामगांव, तो ये वाला खामगांव बाईपास है। तो हेलो दोस्तों, बज गए 5:15, तो हमने पीछे खामगांव बाईपास तो पार कर लिया, तो अभी आ गया है जहाँ हमें डीजल टंकी फुल करवाने का, वहाँ जियो का पंप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें टंकी करवाने का पुल, और पवन बहुत ज़्यादा आया हुआ, इसलिए खिड़की बंद करा था क्योंकि आपको आवाज़ आए। तो यहाँ पर होगी हमारी टंकी फुल, तो यहाँ से एक बार टंकी फुल करवा देंगे तो फिर चले जाएंगे सीधा घर, पहले अहमदाबाद खाली करेंगे अहमदाबाद, फिर चले जाएंगे घर। तो एक हमारी गुजरात की गाड़ी खड़ी है, तो हम लगा देंगे इधर पहले में, पहला हम लगा देंगे। तो ऐसा कुछ पंप का नज़ारा है, देखो नया पंप है, इस पंप का भी वीडियो है, जाके देख लेना नहीं देखा तो। पे तो आ गए, यहाँ का रेट देख सकते हो 92,
और वहाँ पर था 97, इसलिए वहाँ पर टंकी फुल नहीं करवाया, तो अभी इधर टंकी फुल करवाएंगे। टायर वायर चेक कर दिया, तो अभी भी दूसरी जगह पर वो लेबर है ना पंप के, जो दूसरी जगह पर डाल रहे हैं, फिर हमारी बारी आएंगी तो हमारे में डालेंगे। तो चलो अभी मिलते हैं आपको डीजल डलवाने के बाद। तो अभी अपनी टंकी हो चुकी है फुल, 31,302 का आया, देखो हो गई टंकी फुल, तो 31,000 का खा गई हमारी गाड़ी। डीजल फुल करवा के अभी पंप पे ही खड़े, तो आपने देखा कि आज हमारा कितना डीजल आया, गिनवाता हूँ आपको। पहले रात को 1 बजे डाला 5,000 का, फिर डाला 2,000 का, फिर डाला 10,000 का, और अभी आया 31,000 का। तो 10 × 40 = 11 × 5 = 6 करीब 50,000 से ऊपर का आज का ये डीजल है। तो कितना खर्चा आता है वो आप मालूम कर लो, 50,000 का तो सिर्फ इस दिन का है डीजल। तो इसमें क्या है, ये तो अभी चली जाएंगी गुजरात, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ से टंकी फुल करवा के आना पड़ता है, तो वहाँ भी इतना ही आएगा, फिर यहाँ आना है तो यहाँ आएगा 285 लीटर, 290 लीटर, तो ऐसा ही होता है, इतना बहुत ज़्यादा ही खर्चा होता है। फिर आप बता रहे हो भाड़ा कितना, भाड़ा तो भाड़ा का मेरे को कुछ मालूम नहीं होता, सेठ डायरेक्ट लगाते हैं, हमको बोलने भरवा जाओ तो हम भरो भरने चले जाते हैं। तो फिलहाल तो देखो पंप पर ही खड़े, तो कान पे ही देने गए बिल वगैरह, तो चलो मिलते हैं आपको आगे। बजने वाले शाम के 7, तो अभी डीजल भरवा के निकल चुके हैं, तो पीछे पंप है। तो एक दोस्त मिल गया था महाराज काना भाई का, तो उसके पास खड़े थे, तो 1-2 घंटे वहाँ पर ही खड़े थे, तो दोनों बातचीत कर रहे थे। फिलहाल तो अभी हमारा सफर चालू है, तो आगे कन्हैया होटल आएगी, वहाँ पर रुकेंगे, तो मिलते हैं आपको आगे। बजने वाले शाम के 7, तो अभी डीजल भरवा के निकल चुके हैं, तो पीछे पंप है। तो एक दोस्त मिल गया था महाराज काना भाई का, तो उसके पास खड़े थे, तो 1-2 घंटे वहाँ पर ही खड़े थे, तो दोनों बातचीत कर रहे थे। फिलहाल तो अभी हमारा सफर चालू है, तो आगे कन्हैया होटल आएगी, वहाँ पर रुकेंगे, तो मिलते हैं आपको आगे। तो अभी बज गए शाम के 7:30, और हम आ गए कन्हैया होटल पे। तो मलकापुर, इधर मलकापुर है यहाँ से, और पीछे नंदूरा, तो यहाँ पर रुकेंगे, चाय पानी पियेंगे। तो ये देखो ये वाली कन्हैया होटल है, बारिश के वजह से पूरा ग्राउंड कीचड़ हो गया है। तो फिलहाल होटल से तो आगे, तो अभी जाएंगे आगे, तो आगे कहीं पे खाना खाएंगे। तो अभी चल रहे हैं यहाँ पर, बारिश की वजह से कीचड़ देखो आप, पूरा ग्राउंड कीचड़ ही है, इसमें चलने में भी दिक्कत होती है, इसलिए हम गाड़ी बाहर ही खड़ी करते या कम रुक पे होटल पे, वरना तो ज़्यादा रुक पे, बारिश की वजह से कम रुक पे है। तो चलो अभी यहाँ से जाते हैं, तो मिलते हैं आपको आगे। तो अभी देखो इस भाई ने यहाँ पर गलती कर दी बहुत बड़ी, तो बारिश के मौसम में ख्याल रखना पड़ता है, ऐसे देखो इसने पीछा किया और इधर चक्का फट जाता है अभी, तो ऐसे कहीं पे भी टर्न मत लगा दे, बारिश में तो पूरा ख्याल रखना पड़ता है। देखो अभी तो निकल ही नहीं पाएगा, तो पूरी अभी तो बहुत देर लगेगी, शायद तो निकल ही नहीं पाएगा, इसने तो नहीं गलती पूरा गलत ही कर दिया है। तो चलो मिलते हैं आपको आगे अभी। तो दोस्तों फिलहाल बज गए 9:10-15 और हम पहुंच गए भुसावल सिटी में, तो यहाँ से आगे है भुसावल, तो अभी हमारा सफर कंटिन्यू ही है, देख सकते हो आप। यहाँ से भुसावल है थोड़ी दूर, तो हमें अहमदाबाद का लोड किया है, तो अहमदाबाद जाने का है अनलोड करने के लिए, तो कल तो नहीं परसों अनलोडिंग हो जाएगा, तो मिलते हैं आपको आगे। दोस्तों बच गए रात के 10, तो अभी टोल नाका पास करके यहाँ पर खड़े हैं, तो अभी आगे कहीं पे सो ही जाने का है, तो
इस वीडियो में कुछ बचा नहीं है, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो चुका है। तो चैनल पर जितने भी नए लोग हैं चैनल को मान देना।